कांग्रेस के विधायक की खुली पोल। बिहार सरकार के सभी जितने अधिकारी है सब कमने है। सड़क के विकास के नाम पर किया तगड़ा झोल। और हम कंफ्यूज हैं कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एनएमएफ न्यूज की टीम ने की पड़ताल। किस प्रकार से गाड़ी का जाम, यहाँ पे रोड का मरम्मती का काम विश्वनाथ राम नहीं करते हैं। विधायक जी के रवैये से बिहार की जनता मिली बेहाल। वो क्या काम करेंगे, खाली मुंह में उनका काम है और कहीं काम नहीं है। संवाददाता निगम नारायण की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हमारी मौजूदगी बक्सर के उस विधानसभा क्षेत्र में है जहां के कांग्रेस के विधायक जी गालीबाज हैं। जी हां, हम अभी बक्सर के राजपुर विधानसभा में हैं जहां से कांग्रेस के विधायक विश्वनाथ राय हैं, माफ कीजिएगा विश्वनाथ राम हैं, गालीबाज विधायक हैं। पहले आप वो उनका ये जो क्लिप है वो देखिए। कोई अधिकारी के यहाँ फोन करता है, बिहार सरकार के अधिकारी सभी निकम्मे हैं, मेरे डंडे की चोट पर रहता है। बिहार सरकार के सभी जितने अधिकारी है सब निकम्मे हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से जो विधायक जी हैं कांग्रेस के, वो बिहार के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको गाली देकर उनका संबोधन कर रहे हैं। अब देखिए, हम उनके विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम कंफ्यूज हैं कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। हालांकि वो इस रोड का जो मरम्मत का जो कार्य है उसका वो फीता काट चुके हैं, ऐसा खबर में आया था कि उन्होंने इसका फीता काट दिया है। हालांकि उनका जो विकास है वो आप देख रहे हैं किस प्रकार से है। मुझे तो लगता है कि वो केवल गाली गलौज दिया करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि कमर भर गड्ढा जो रोड में ही है। अब यहाँ पे यहीं के कुछ पब्लिक हैं, इनसे जानते हैं कि आपके जो विधायक जी हैं विश्वनाथ राम वो कितना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं। वो कुछ भी नहीं काम किए हैं विश्वनाथ जी, सारे अधिकारी को भ्रष्ट कह रहे हैं। हमारे पूर्व मंत्री थे परिवहन मंत्री निराला जी, 7 पुलिया दिए हैं, अत्रौना में, बैकुंठपुर में, बहुआरा में, जंगलिया बाबा के, अमरपुर में, इतना बड़ी बड़ी पुलिया दिए हैं पूर्व हमारे मंत्री। अच्छा, एक बात बताइए, एगो उनका वीडियो वायरल हुआ है विश्वनाथ राम का, वो सरकारी अधिकारी को सबको गाली दे रहे हैं मंच। हाँ, सबको गाली दे रहे हैं और सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। बिहार सरकार की जितने अधिकारी हैं, धीरेन्द्र मिश्रा हमारा काम था, खेसरा संख्या 6 आ खाता संख्या 71 हमारा हो गया, 75 हो गया था। हम मिश्रा जी के हो गए, धीरेन्द्र मिश्रा SDM साहब किए, बोले CO साहब को बुला करके कि मिश्रा जी को काम कर दीजिए बिना पैसा को। रजनीकांत CO साहब ने, SDM साहब ने सारा काम हमारा पूरा किया, एक पैसा भी नहीं लिया। अच्छा, ये विश्वनाथ राम काम कर रहे हैं कि नहीं? 4 बरस में एक कहीं पर वोट नहीं है उनका। 40 पंचायत का हमारा विधानसभा है, 40 पंचायत का 6 डुमराव, 19 राजपुर, 15 इटाढ़ी में 40 पंचायत का हमारा विधानसभा है। कहीं घूम कर देख लिए 40 पंचायत में कि कहीं उनका वोट है। अच्छा, देखिए कांग्रेस के गालीबाज विधायक जी, मतलब आपको बता दे कि ये जो रोड है वो आपके विधानसभा क्षेत्र का है और ये एक जिला से दूसरे जिला को कनेक्ट करता है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितना काम किए हैं कांग्रेस वाले आपको जी विश्वनाथ राम जी? वो क्या काम करेंगे, खाली मुंह में उनका काम है और कहीं काम नहीं है। रोड का उद्घाटन भी कर दिए हैं वो तो अपना श्रेय लूटना चाहते हैं कि चुनाव आया है ना, उसके पहले विधायक जी नहीं थे, इसके पहले भी विधायक जी थे ना, अब कपार पर जब चुनाव आ गया तो अपना श्रेय लूट रहे हैं। 4 साल में कुछ भी काम नहीं किया, एक भी अगर कोई भी काम दिखा दे वो तो हम गुलामी लिख देंगे। अच्छा चलिए, विधायक जी तो हम लोग को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे पास जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अभी चेयरमैन है नगर पंचायत के, आप क्या काम किए हैं? आपसे मेरा यही सवाल हुआ कि आपने क्या काम किया है। देखिए, मुझे काम करने का 3 महीने का समय मिला। जब मैं नया नगर पंचायत बना तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं था, यहाँ PL खाता खोलने में और नए अधिकारी को आने में 6 महीने लग गया। 3 महीने मैंने काम किया, 3 महीने के बाद आचार संहिता लग गया।
तीन महीना के अंतर्गत आप जाएंगे चार नंबर या हर एक वार्ड में जाएंगे तो कहीं कहीं जो कच्ची नलियाँ थी उसको मैंने पक्कीकरण कराया, नाली बनवाया, रोड पर ये जो सफाई की चारों तरफ जो व्यवस्था थी वो सब सफाई की व्यवस्था हो रही है और तिरंगा लाइट वगैरह अभी योजनाएं हैं, अब टोटली चल रही है। कुछ समय दीजिए, साल भर उसके बाद लगेगा कि इटाड़ी इटाड़ी है। विश्वनाथ राम कांग्रेस के विधायक हैं, गाली गलौज करते हैं भरे स्टेज से। देखिए, जिसको काम नहीं करना वही अस्त्र चुनेगा ना। जनता के बीच में उन्होंने तो कुछ काम किया नहीं, अब आ गया चुनाव। ये रोड का भी मामला था, हम लोगों ने अपने स्तर से मैंने पास करवाया, सब कुछ करवाया, लेकिन उद्घाटन करने वो आ गए। जिसको कुछ काम नहीं करना है वो गाली देगा, जिसको काम करना है उसको काम से फुर्सत नहीं मिलेगा, गाली कहाँ से देगा। अच्छा, आप इसको पास कराया, अभी तक रोड बना भी नहीं है और वो जो है आके फीता भी काट दिए सुनने में आ रहा है। वही वो तो ये भी बोले हैं कि नगर पंचायत के चेयरमैन को मैंने 4 करोड़ रुपया दिया है। 4 करोड़ आपको मिला है जी? वो मिला है कि नहीं आपको? एक पैसा उनका अधिकार कहाँ से है बेकू दे दें? वो अपना काम करे ना, उनके उनके पास काम कुछ कर ही नहीं रहे हैं और दूसरे का अपना ठीकरा दूसरे पर फोड़ना कि उनको दे दिया, उनका अधिकार कहाँ से बनता है देने का? और मैंने तो कहा था कि वो दिखा दें और हमसे इस्तीफा ले, अन्यथा वो इस्तीफा दें या आकर लोगों के बीच में वो माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने का काम करे। जो उन्होंने गलती की है, जो वो उन्होंने जो जनता को मूर्ख बनाया है, लोगों को धोखे में रखा है, उसको छिपाने के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव आ गया है, उनको पता चल जाएगा कि जनता में कितना पावर है और कितनी ताकत होती है। अच्छा, इसके पहले यहाँ से कौन विधायक थे? इनके पहले थे संतोष निराला थे। वो कौन से पार्टी के? वो जदयू से, जदयू से। हाँ, इनका काम धरातल पे दिखता था एकदम, बहुत जगह उन्होंने पुल बनाए थे, रोड बनाए हैं, लोगों की समस्या मिलना जुलना। वो तो बेचारे आते हैं ब्लैक शीशा पर लगते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बैठ गए हैं और अपने को इतना ऊपर समझ रहे हैं कि वो अपने को नेता नहीं भगवान समझते हैं। अरे अरे बाप रे बाप, उनका पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए कहीं जमीन। विश्वनाथ है, अरे वही वो भगवान समझ रहे हैं ना अपने आप को, वो कलयुग के भगवान है। ब्लैक शीशा लगा करके ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना बातें करना, कुछ एक दुगो है अपना सब चाट कमा रहे हैं, बस वही उनका काम है। अब और भी यहाँ पे पब्लिक मौजूद है, आप कुछ बता रहे थे विधायक जी के बारे में, हमारा ही कर रहे थे आप। हमारा गांव सर देवास्थापुर है, हकीमपुर पंचायत में। हमारा गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी है बाईपास। अच्छा, हम 2 बार उनके बक्सर आवास पर गए, वे हमारा आज तक कोई निदान नहीं हुआ, आज तक बने नहीं। हम लोग के बाबा दादा मने 200-300 बरस हो गया, आज तक वे रोड बना ही नहीं। हम लोग को इतना शर्मनिंदा के बात है, बेटी बहन किसी का आना जाना उसी रास्ते से, इतना कीचड़ होता है गांव में, बाईपास को बहुत बुरा हालत है, उसमें कोई समस्या नहीं है उस गांव में। अच्छा, मतलब जानिए कि मतलब विधायक जी जो हैं वो भरे मंच से गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बिहार के अधिकारियों के लिए, और तो और ऊपर से ये रोड को पास कराने का काम कोई और करते हैं, और चुनाव आ रहा है उस लिहाज से जो है वो उसका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रमेश सिंह। विश्वनाथ जी काम कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक हैं आपके यहाँ से? वे को भी का 4 बरिस में काम नहीं किया है, रोड का उद्घाटन वही किए हैं। वो तो बरियारी के रहे है, जबरदस्ती करते हैं, कुछ काम नहीं किए हैं। नहीं किया है। अच्छा। एक कॉल भी दिया है इटाड़ी में है? कहीं कॉल भी दिए है? चापा कल तक नहीं दिए है? नहीं नहीं दिए है। एक फूलों ने खन चढ़ो ले, हाँ चेयरमैन के 3 रुपये काम होता है, वो आई के झूठ मूठ के अपन फैला रहल बनन। चेयरमैन साहब सामने, उनके डर से नहीं ना आप इनका बड़ाई कर रहे हैं? ना ना एकदम नहीं, सवाल इनसे भी हम पूछते हैं। ठीक है, पूछते हैं, बाकी डर सामने की कहत ना, साचा को साचा मानते हैं। अच्छा, विश्वनाथ जी जो है उनका एक वीडियो आया है कि गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज एकदम दिलन है, गाली पूरा दिलन, जानता है कहूँ उनका खुश नहीं के ना। तो सुनने में आया कि वो आते हैं तो आप लोग से मिलते जुलते भी हैं? ना एको दिन ना, ना वो गोलन वोट मांग के करा बस अबे ना कोलन एजा। कांग्रेस के विधायक हैं विश्वनाथ राम जी, नहीं मिलने आते हैं? ना एकदम ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? ना झूठ ना है, तब सोटा ले मारा मुका के, सोटा ले डंटा बाजी उनका पाव। देखिए, कांग्रेस को विधायक को उनके जो पब्लिक है वो सोटा से मारने का बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं पब्लिक जो है किस हद तक नाराज है उनसे। का चाचा का नाम है, कहाँ डरा के भाग रहे हैं? कुछ ना तो हम का बोलू, चेयरमैन का कैले बनाई हुआ कुछ नहीं खन कैले भैया, सब जनता देखो तो इन जनता कितना उनका। अच्छा, आपका कहिएगा। सर मेरा नाम संतोष कुमार है, सब्जी
सब्जी मंडी में मेरा सब्जी का दुकान है। अच्छा, साल भर पहले उनसे एक कल मांगे थे हम लोग सब्जी मंडी में, अभी तक कल नहीं मिला है। मतलब कल चापा कल तक नहीं दे रहे? साल भर पहले मांगे थे, हम खुद फोन लगाए थे उन पर और बोले थे कि बबुआ 8 दिन के भीतर कल लगवा देंगे, एक बड़ा सा लाइट लगवाएंगे, अभी तो कुछ नहीं मिला। 8 दिन अभी तक नहीं आया? नहीं यार। अच्छा, देखिए आपको हम आगे भी दिखाना चाहेंगे, वहाँ पे तो मतलब किस प्रकार से गाड़ी का जाम, यहाँ पे रोड का मरम्मती का काम विश्वनाथ राम नहीं करते हैं। और तो हाँ, एक और चीज आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा एक मिनट हमको जगह दीजिएगा। एक मिनट बाबू रुक जाना, आइए इधर आइए आइए आइए। एक और यहाँ पे एक अनोखा तस्वीर आपको दिखाएंगे हम लोग, ये देखिए जैसा कि शुरू में हम आपको दिखाए, आइएगा इधर आइएगा इधर आइएगा। हाँ देखिए यहाँ पे मतलब गड्ढा में रोड है या रोड में गड्ढा है हमको पता नहीं चल रहा है। हाँ कोची कोची बोलो बोलो बोलो। रोड बहुत खराब है, चलने में दिक्कत होता है हम हमेशा हम लोग को। अच्छा, स्कूल से पढ़ के आ रहे हो? जी। विधायक जी तुम्हारे रोड नहीं बनवाए हैं? जी। क्या कहोगे उनको? अब से बनवाने के लिए, बनवाने के लिए कहोगे? आई देखिए यहाँ पे, वहाँ पे देखिए जस्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अब इधर से जो गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ पे गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। अब ये गड्ढा में, इधर आइएगा ना, थोड़ा इधर आ जाइएगा, गड्ढा में अगर उधर से कोई गाड़ी आ रहा है गिर जाएगा तो उसका क्या होगा? मेरे ख्याल से इतना भर उसमें गबड़ा होगा। अब ये देखिए यहाँ भी भर कमर से ऊँचा, जहाँ पर मेरा कैमरा मैन, हटो सामने से, जहाँ पर मेरा कैमरा मैन है वहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पर रोड ऊँचा है और यहाँ पर कमर जितना जो है गबड़ा यहाँ पे है, मतलब गहराई यहाँ पे। कभी भी कोई भी बाड़ी गाड़ी उलट जाएगा, पलट जाएगा, कोई मर जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये सवाल रहेगा। बाकी आपने देखा किस प्रकार से जो कांग्रेस के विधायक जी हैं वो गाली देते हुए शुरुआत के क्लिप में नजर आए। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कांग्रेस के इन विधायक जी के ऊपर, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।